तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। और गाइज कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़िया ना। दोस्तों आज की वीडियो में मैं गाइज बात करने वाला हूँ फ्री फायर गाइज पे कस्टमर सर्विस गाइज इसके बारे में। जी हाँ, ये कस्टमर सर्विस गाइज क्या है तो गाइज मैं एक शब्द में बताऊँ भाई, कस्टमर केयर से गाइज आप लोग बात कर सकते हो। भाई बोलेंगे कैसे, रुक जाओ मैं डिटेल में गाइज बताता हूँ, बट वीडियो को लास्ट तक देना ठीक है। फ्री फायर में गाइज आप लोग फ्री फायर खेलते हो कोई भी गाइज प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे गाइज आप लोगों को गाइज यहाँ पे बैन कर दिया जाता है आईडी, या फिर गाइज कुछ लिमिटेड टाइम के लिए गाइज आपका गेम स्टार्ट नहीं होता है, आपका आईडी सस्पेंड हो जाता है, या फिर आप लोग डायमंड टॉप करते हो तो गाइज आपका डायमंड नहीं मिलता है, पैसा गाइज कट जाता है, या फिर गाइज फ्री फायर में कुछ भी आइटम परचेस करते हो वहाँ पे भी मतलब कुछ भी गाइज दिक्कत परेशानी आती है ना इसके बारे में, तो गाइज आपको भाई कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप गाइज फ्री फायर के कस्टमर केयर से खुद गाइज बात कर सकते हो, खुद गाइज अपने प्रॉब्लम का गाइज यहाँ पे सोल्यूशन गाइज करा सकते हो। चलो गाइज कैसे गाइज यहाँ पे गाइज आप लोग बात कर सकते हो, क्या कुछ कैसे गाइज करना है, मैं आपको हर एक चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी आप लोग ऑल पे सेलेक्ट करना, क्योंकि बहुत ही गाइज इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये गाइज सभी प्लेयर के लिए, भाई किसी एक बंदे के लिए नहीं। गाइज वीडियो लास्ट तक देखना, हो सकता है आपको आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और आपको भाई यहाँ पे सोल्यूशन ना मिले, तो गाइज खुद आप फ्री फायर वालों से बात करो ना, वो गाइज आपको आपके यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। गाइज उसके कस्टमर केयर से गाइज उसके बात करने के लिए, कोई भी गाइज समस्या का समाधान कराने के लिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कराने के लिए सिंपल सी गाइज यहाँ पे सेटिंग को ऑन करना है। ऑन करते ही गाइज यहाँ पे देखो आपको कस्टमर सर्विस गाइज देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर गाइज आपको क्लिक करना है ठीक है। और जैसे ही गाइज आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने गाइज कुछ इस तरीके से ब्राउजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे गाइज कुछ इस तरीके से देख पाओगे कि सारा गाइज कुछ दिया गया है ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको गाइज कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए आपको एक गैना को मैसेज करना पड़ेगा। जी हाँ, जो फ्री फायर का जो टीम होता है उस टीम को गाइज आपको मैसेज आपको करना पड़ेगा। तो गाइज आप लोग कैसे कर सकते हो, तो गाइज देख पाओगे ऊपर में गाइज आपके यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर में गाइज आपका आईडी का नाम गाइज शो करेगा, उस पर गाइज आप लोग क्लिक करना ठीक है। और क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पे देख पाओगे तीन ऑप्शन दिया जाता है, माई रिक्वेस्ट, सबमिट रिक्वेस्ट और साइन आउट। तो गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम गाइज हमें समाधान कराना है, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कराना है, तो गाइज यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइज आप लोग जैसे ही जब लोग क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से मतलब इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन है भाई, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है, नीचे यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये देख रहे हो ये गाइज बॉक्स, इस पर गाइज क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज क्लिक करने के बाद में आपको गाइज जैसे कि देख पाओगे कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, बैन अपील हो गया, अकाउंट रिलेटेड कंसर्न हो गया, नेगेटिव डायमंड हो गया, गेम कंसर्न हो गया, पेमेंट इशू, बग रिपोर्ट, अनेबल टू ज्वाइन, मतलब गाइज पाँच छः टाइप का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि आपका गाइज आईडी बैन हो गया है, यहाँ पे बैन का अपील मतलब अनबैन कराने के लिए अपील आप लोग कर सकते हो, अकाउंट रिलेटेड मतलब कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है, आईडी लॉगिन हो गई मतलब कुछ भी दिक्कत हो रही है उसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हो। नेगेटिव डायमंड मतलब गाइज बहुत सारे बंदे का ना माइनस में गाइज डायमंड चला जाता है, रेड नंबर में दिखाने लगता है, हो सकता है आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है बट बहुत सारे बंदे के साथ ऐसा हुआ है और मे बी आपके आपको होगा, तो गाइज वो बात की बात है बट आप लोग कर सकते हो। गेम कंसर्न, गेम के बारे में कुछ चीज़ें बताना है उसके बारे में कुछ भी चीज़ें है, तो पेमेंट इशू, पेमेंट का जब आपका फंस गया है या फिर पेमेंट आपका कट गया, कुछ भी आपको डायमंड नहीं मिला है, कुछ भी सामान आपको नहीं मिला है उसमें गाइज कर सकते हो, कोई भी बग है, कोई भी ग्लिच है उसका आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो। अनेबल टू ज्वाइन टीम स्पीशियस, ये चीज़ है भाई आप लोग यहाँ पे इसको गाइज मेल कर सकते हो, मैसेज यहाँ पे कर सकते हो। चलो गाइज मैं पेमेंट इशू के बारे में गाइज बात करूँगा, अभी भी मैं करके दिखाता हूँ ताकि बहुत सारे बंदे के साथ ये प्रॉब्लम आती है। हालांकि आप लोग गाइज यहाँ पर मुझे कमेंट करोगे ना तो मैं हर एक चीज़ पे मैं एक एक मैं वीडियो में बना दूंगा कैसे क्या करना है, जैसे कि बैन अपील कैसे करना है, अकाउंट रिलेटेड कैसे करना है, नेगेटिव डायमंड कैसे करना है, मैं ए टू जेड चीज़ें पर मैं वीडियो में बना दूंगा। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ भाई आप लोग कस्टमर केयर से बात कैसे कर सकते हो ठीक है, उससे गाइज आपका प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करा सकते हो। यहाँ पर मान लो गाइज पेमेंट इशू ठीक है, इस पर गाइज मैं क्लिक करता हूँ और इस पर गाइज जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना उसके बाद गाइज यहाँ पर देख पाओगे आपका आईडी है, अकाउंट आईडी आपका जो भी यू आईडी होगा यहाँ पर आ जाएगा, आपका यू आईडी नेम आपका आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर टाइप प्रॉब्लम, भाई यहाँ पर किस टाइप का प्रॉब्लम है पेमेंट में, आइटम परचेस नोट रिसीव, जैसे कि मान लीजिए आपने गाइज डायमंड आपने परचेस किया, आपका पैसा कट गया और आपको डायमंड नहीं मिला, यहाँ पर ये गाइज रहने दो, या फिर गाइज इस पर क्लिक करो। स्पेशल एयर ड्रॉप में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने एयर ड्रॉप परचेस किया आपको नहीं मिला तो प्रॉब्लम है, इस पर गाइज सिलेक्ट कर लो। एयर ड्रॉप नॉट शोविंग रॉन्ग करेंसी, जैसे कि किसी को यूएसडी डॉलर में दिखाता है, इंडियन रुपीज में नहीं दिखाता वो प्रॉब्लम है, उस पर गाइज करो। जो भी आपको दिक्कत आ रहा है उस पर गाइज सिलेक्ट करके रहने दो। मैं गाइज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ तो मैं इतना ही आपको रहने देता हूँ,
उसके नीचे का ट्रांजेक्शन आईडी, मतलब जो भी आप लोग पेमेंट करते हो गूगल पे फोन पे रिडीम कोड, वहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी होता है, ठीक है। उस ट्रांजेक्शन आईडी होगा जहाँ पे डाल दो, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्रांजेक्शन आईडी, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी मैं डाल देता हूँ ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। और इतना डालने के बाद प्राइवेसी जो पॉलिसी है इस पे का यहाँ पे चेक मार्क कर दो, डिस्क्रिप्शन भाई यहाँ पे बता दो क्या किया था। तो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई परचेस 500 डायमंड, डायमंड मतलब आई परचेस 500 डायमंड फ्रॉम टॉप ऑफ इवेंट बट नॉट रिसीव डायमंड और डिडक्टेड माई मनी, प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, चेक माई इशू, चेक माई ट्रांजेक्शन आई डी एंड फिक्स माई इशू, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। सिंपल से लैंग्वेज में अगर हिंदी में बात करूँ तो आपको क्या यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कि भाई मैंने पेमेंट मैंने करा था, मेरा पेमेंट मेरा कट गया, मुझे यहाँ पे डायमंड नहीं मिले, मुझे एयर ड्रॉप नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और इस चीज़ का आप लोग सॉल्यूशन करो जल्दी से मेरा। और इतना करने के बाद में आपको वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देना है, यदि आपके पास स्क्रीनशॉट है किसी चीज़ का उसका, यहाँ पे देख रहे हो अटैच, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा बैक आता हूँ भाई, बैक हो जा, यहाँ पे देखो नीचे आने के बाद अटैच है ना, अटैच वाले पे क्लिक करना है, अपने गैलरी से जो भी का जहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर जो भी समस्या होगा उसको अगर यहाँ पे जैसे कि इमेज कुछ भी का जहाँ पे आपको अपलोड आपको कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इमेज आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद में आपको सबमिट कर देना है यहाँ से, जैसे ही आप लोग यहाँ पे सबमिट करोगे ना, जैसे अपलोडिंग हो गया, ठीक है, आप लोग सबमिट करोगे तो जो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है वो अगर फ्री फायर वालों का पास पे पहुँच जाएगा। अब गाइस आपको चेक कैसे कर रहा है कि मेरा प्रॉब्लम का सलूशन हुआ कि नहीं हुआ, तो गाइस यहाँ पे देखो अभी आपने गाइस सबमिट रिक्वेस्ट किया है, अब आपको चेक करने के लिए आपको माय रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे कट कर देता हूँ मैं, अब भाई चेक कैसे करोगे कि मेरे गाइस प्रॉब्लम का सलूशन हुआ कि नहीं हुआ, मुझे गाइस गैना फ्री वालों ने क्या बोला, तो फिर से सेटिंग ऑन करना है, ऑन करने के बाद कस्टमर सर्विस को फिर से दोबारा आपको ऑन करना है, ठीक है, नेक्स्ट डे दूसरे तीसरे दिन मतलब 3-4 दिनों के अंदर में वो बता देते हैं। और करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो, अरे भाई साइन इन हो जाए यार, ये क्या दिक्कत चल रहा है, रुक जाओ गाइस एक सेकंड, यहाँ पे साइन इन में कुछ नेटवर्क इशू होगी इस वजह से। तो गाइस यहाँ पे देख पाओगे ये गाइस मेरा आईडी आ गया, इस पे गाइस फिर से क्लिक करना है, अगर यहाँ पे जाना है माई रिक्वेस्ट में, जो भी गाइस आपने रिक्वेस्ट आपने डाला होगा, जो भी प्रॉब्लम गाइस दिखाया होगा वो गाइस आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो गाइस देख पाओगे आज से कुछ महीना पहले, लगभग आज 5 महीना पहले, सॉरी 6 महीना पहले मैंने गाइस एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था मेंबरशिप के बारे में, ठीक है, तो मैंने गाइस यहाँ पे बताया था, तो गाइस सॉल्वड, मतलब मेरा प्रॉब्लम गाइस सॉल्व हो गया है, और इन लोगों ने भाई रिप्लाई दिया था। यहाँ पे देख पाओगे आपको यहाँ पे आईडी शो करेगा, आईडी का मतलब कि जो भी प्रॉब्लम आईडी होगी, जो भी आप लोग अपील करोगे अपील आईडी यहाँ पे दे दिया जाएगा। यहाँ पे मेरे प्रॉब्लम गाइस सॉल्व हो गया है, और यहाँ पे उन लोगों ने मुझे रिप्लाई भी दिया था। तो कुछ आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन गाइस करा सकते हो। यहाँ पे देख पाओगे उन्होंने गाइस बताया था, ये गाइस मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई मंथली मेंबरशिप लेना चाहता हूँ बट पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं, भाई आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑलरेडी सब्सक्राइब लेकिन मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं चल रहा है, कुछ इस तरीके से मैंने बोला था। तो भाई उन लोगों ने मुझे रिप्लाई मुझे दिया है और इसका सोल्यूशन उन लोगों ने बताया है, ठीक है, यहाँ पे रिप्लाई दे करके। तो गाइस आप कुछ इस तरीके से मेरा भी आप लोग बातचीत कर सकते हो मैसेज के थ्रू, ठीक है। आपको भी गाइस कुछ इस तरीके से कोई भी दिक्कत आई है, मैंने गाइस पेमेंट के रिगार्डिंग बताया है, मतलब गाइस सिंपल से मानो ना, मैंने गाइस कस्टमर केयर के बारे में बताया है, ठीक है। अब गाइस कोई भी दिक्कत है कोई भी समस्या है ना, आप लोग गाइस डेफिनेटली आप लोग उसको गाइस हमें बताओ फ्री फायर को, वो लोग गाइस रिप्लाई में आपका यहाँ पे हेल्प करेंगे मदद करेंगे, ये मुझे गाइस बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे बंदे गाइस नहीं जानते थे, आई होप गाइस आपको इस वीडियो के थ्रू गाइस समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स एंड क्वेश्चन है नीचे गाइस कमेंट करना, उसका रिप्लाई दूंगा या फिर उस पर एक स्पेशल से वीडियो में बना के डाल दूंगा ताकि आपको गाइस कोई भी दिक्कत ना हो। चलो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है, ऐसी और भी वीडियो आप लोग देखने के लिए।